सुप्रभात मित्रों, जय श्री केदार, हर हर महादेव, जय हिंद, जय उत्तराखंड। मैं बाबा केदारनाथ से सभी मित्रों के परिवार के लिए बाबा केदार से बार बार प्रार्थना करता हूं, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करता हूं कि दोस्तों, आपको कभी भी कोई कष्ट न हो। दोस्तों, कौन से स्टेट से आप बाबा केदारनाथ के दर्शन मेरे ब्लॉग के माध्यम से कर रहे हैं, कमेंट में अवश्य लिखें। आपका प्यार सदा यूं ही मुझे मिलता रहे। दोस्तों, केदारनाथ धाम की यात्रा करना कोई आसान कार्य नहीं है, बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि यहाँ के रास्ते, भौगोलिक परिस्थिति कुछ ऐसी है कि हर प्राणी यहाँ नहीं पहुँच पाता है। मित्रों, आप लोगों से मैं बार बार निवेदन करता हूँ, बाबा केदार की दर्शन वीडियो उन लोगों तक भी अवश्य शेयर करें जो लोग बाबा केदारनाथ धाम नहीं आ पाते हैं। ये बड़े नेकी और पुण्य का कार्य है। मित्रों, उन लोगों को भी बड़ी सहजता से बाबा केदारनाथ के दर्शन हो जाएं, और इस नेकी के कार्य में आप लोगों का सहयोग अति आवश्यक है। दोस्तों, मोक्ष धाम, द्वादश ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम, यहाँ की यात्रा करना जैसे कि मैंने आपको बताया, बड़ा कठिन है। जब प्राणियों के कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा हो जाता है, तब प्राणी केदारनाथ धाम की तरफ गमन करता है। दोस्तों, यहाँ यात्रा का जो फल मिलता है, ये तीन कुल को प्राणी को मिलता है, मातृपक्ष, पितृपक्ष और नाना पक्ष को। जब भी किसी कुल का प्राणी, किसी परिवार का सदस्य बाबा केदारनाथ धाम में पहुँचता है, तो तीन पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। दोस्तों, कमेंट में जय श्री केदार अवश्य लिखें। केदार केदार श्री केदार जपने मात्र से ही प्राणी का कल्याण हो जाता है, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्रों में वर्णित है। दोस्तों, केदार का मतलब जैसे आप सब समझते ही हैं कि दलदल, जहाँ दलदल हो उस भूमि को केदार कहते हैं। केदारनाथ की समस्त भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ हर चीज़ धसती जाती है, क्योंकि पूरा एरिया, पूरा जो क्षेत्र है वो दलदल में विराजमान है। दोस्तों, इस ब्लॉग के माध्यम से मैं हमेशा बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप सभी मित्रों को करवाता हूं, और आपसे भी निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक लोगों को मेरे इस ब्लॉग से जुड़ें, मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें, ताकि बाबा केदार के दर्शन उन लोगों तक भी अवश्य हो जाएँ जो हर समय सोचते हैं कि केदारनाथ जाना था, लेकिन किसी परिस्थिति के कारण नहीं आ पाते हैं। और इस नेकी के कार्य में आपका सहयोग अति आवश्यक है। मित्रों, ये बड़ी पुण्य और नेकी का कार्य है। बाबा केदार के वीडियो को आप भेजते जाए, फिर देखिए चमत्कार, जो भी काम नहीं हो रहे हैं आपके काम स्वतः बनते चले जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। दोस्तों, आइए बाबा केदार के प्रातः दर्शन करिए, और कमेंट में जय श्री केदार लिखकर बाबा केदार के चरणों में अपनी हाजिरी अवश्य दर्ज करें। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे? बाबा से मैं बार बार प्रार्थना तो करता ही रहता हूं, लेकिन आप लोगों का जो सहयोग और प्यार मुझे मिल रहा है, इसके लिए मैं आप सभी मित्रों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। तो आइए दोस्तों, श्री केदार ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, और साथ में जय श्री केदार लिखकर बाबा के चरणों में अपनी हाजिरी अवश्य दर्ज करें। मौसम की बात करें तो अभी ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, जो लोग केदारनाथ धाम आने की सोच रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य रखें, क्योंकि टेम्परेचर -0 तक रात्रि में पहुंच जाता है, और मौसम 12 बजे तक बिल्कुल साफ रहता है, लेकिन 12 बजे के बाद ही मौसम करवट ले लेता है, ठंड बढ़ चुकी है। अगर छोटे बच्चे आपके साथ में हैं तो उनको गर्म कपड़े अवश्य पहनाएँ, और केदारनाथ धाम सुबह से ही अगर आप गौरीकुंड से यात्रा शुरू करते हैं तो प्रातः ही यात्रा अपनी शुरू कर दें, क्योंकि 12 बजे तक मौसम यहाँ चेंज हो जाता है। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अभी केदारनाथ में भीड़ बहुत है, रूम नहीं मिल रहे हैं, यहाँ रूम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि टेंट पे आदमी रह नहीं सकता, क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है, मजबूरी में रहता ही है। तो दोस्तों, अपने लिए रूम अवश्य बुक करवा लें, ताकि यहाँ पहुँचने पर आपको दिक्कत ना हो। अगर आप सही समय पर यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ से आप वापस गौरीकुंड, सोनप्रयाग या फाटा आराम से पहुँच जाते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री केदार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अपना ख्याल रखें।
अरे सदैव तक हाँ बढ़िया तीन दिन लोग पूरा अरे